Good afternoon, everyone. My name is Sapna. I am from GMSPS Sotai. जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे विद्यालयों में तीसरी कक्षा से EVS का विषय स्टार्ट हो जाता है। आज मैंने एक EVS का मॉडल बनाया है, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा श्वसन तंत्र। इसके जरिए हम बच्चों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है और इसे किस प्रकार सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली क्या क्या होती है। हम अपने रूटीन में, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली सांस छोड़ते हैं और लेते हैं। हम दिन में कम से कम 20,000 बार सांस लेते हैं, तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हवा के जरिए हम नाक के द्वारा लेते हैं। नाक में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि धूल कण जो आते हैं या कोई इंसेक्ट है, उनको हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर जाने से रोकते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो वो इस तरीके से फेफड़े जो हैं हमारे वो फूल जाते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस वो सिकुड़ जाते हैं। यही प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ये राइट लंग होता है, ये लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिल होता है। इस तरीके से हम अपने श्वसन तंत्र के बारे में बच्चों को आसानी से पढ़ा।